हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो न्यूज़ लेके आया हूँ, देखिए, जेट एयरवेज आपने सुना होगा कितना, मतलब हालत बुरी चल रही है जेट एयरवेज की। तो जेट एयरवेज से 40 प्लेन खरीद रहा है, बढ़िया बात है भाई। राकेश झुनझुनवाला जी इंडिया के वॉरेन बफे माने जाते हैं, तो राकेश झुनझुनवाला जी का शेयर है ये, और उड़ना शुरू हो गया है। उड़ना भी नहीं भाई, बिल्कुल मतलब ऐसे उड़ा है, ऐसे उड़ा है कि देखते रहिए। चलिए आप देखिए इस वीडियो में कि कैसे उड़ा है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर आप नए व्यूअर हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, आज के दिन, आज यानी कि 22 मार्च 2019, ये शेयर ऐसा उड़ा, 93 से उड़ के पहुँचा 104 पे। अल्टीमेट उड़ान मैं कहूँगा, बिल्कुल सुबह सुबह मार्केट ओपन होते ही उड़ना शुरू हो गया। 9:15, 9:20, देखिए 9:18, 9:20 और 104 तक गया। फिर धीरे धीरे बंद होते होते 99 के प्राइस पे बंद हुआ। अब पिछले 5 दिनों में देखिए कैसा उड़ा है। 5 दिन पहले ये बिल्कुल मरता 78-79 पे ट्रेड कर रहा था, चलिए 80 मान लीजिए, 80 पे ट्रेड कर रहा था, और आज क्या हो गया, 100 पे। तो कितना परसेंट होता है आप खुद सोचिए, 80 मतलब ऑलमोस्ट 20-25 रुपीज़ ये जंप किया, तो कितना परसेंट होता है ये। तो मैं कहूँगा 25-26-27 ये परसेंटेज इसके निकलती है, 25 से ऊपर परसेंटेज है। अल्टीमेट भैया, एक हफ्ते में 25% का गेन और क्या चाहिए। आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, आपको एक हफ्ते में 25,000 रुपये उस पर रिटर्न मिल गया, और क्या चाहिए होता है। अब देखिए, ये तो आज पिछले पाँच दिनों की बात है, मैं पिछले 1 महीने का डाटा दिखाता हूँ आपको। 72 रुपये का इसने लो बनाया था, और कब बनाया था ये देखिए, 13 मार्च 2019 को 72 रुपये का लो। कितना उछल गया आज भी, ज़बरदस्त। ये तो 1 महीने का है, पिछले 3 महीने का डाटा दिखाते हैं आपको। 3 महीने में या फिर उससे पुराना डाटा, अक्टूबर के महीने में ये शेयर 60 रुपये पर पहुँच गया था, और ये अब 104-105 तक पहुँचा है। तो कितना परसेंट रिटर्न इसने दिया यहाँ पे, ऑलमोस्ट देखिए 50% से भी ऊपर का रिटर्न अक्टूबर से लेकर अब तक, बढ़िया बिल्कुल। और कोई माने या ना माने, टेक्निकल्स कई बार बहुत बेहतरीन चीज़ें हमें दिखा देती है। अगर मैं आपको यहाँ पे पिछले 1 महीने, एक साल दो साल का वो डाटा दिखाऊं, तो जब ये शेयर गिरा था बिल्कुल, ये एक डाउन टर्न बनाया था, और मैंने बहुत बार इसकी वीडियोस बनाई थी कि हाँ भाई, ये डाउन टर्न जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो यहाँ पे टूट चुका है, इन लेवल्स पे टूटा है, और ये शेयर इसी लाइन पे कहीं पे सपोर्ट लेगा और वापस यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। और जो इसकी रेजिस्टेंस की लाइन है, ये 90 के आसपास की है। यहाँ पे इसने एक बार रेजिस्टेंस लिया भी था, अगली बार बिल्कुल यहाँ से उड़ता हुआ गया। अब इस रेजिस्टेंस को ये तोड़ चुका है, अब ये रेजिस्टेंस इसका सपोर्ट का काम करेगा। ये 90 से लेके 95 की रेंज इसके सपोर्ट को काम करेगी। अभी ये बढ़िया बाउंस बैक, और ये 60 रुपये का शेयर उड़ता 105 तक पहुँच गया, किसी ने यकीन भी नहीं किया होगा पिछले 5-6 महीनों के अंदर। बढ़िया पॉजिटिव टर्न, वापस लहर आ चुकी है शेयर में। ये देखिए 2017 वाला टाइम है, 2017 में भी सेम इसी तरीके से इसने बिल्कुल ये ट्रायंगल बना, पैटर्न जब बना था, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से उछाल देखने को मिला था, और जो हाई है 154 का हाई बनाया था। उम्मीद करते हैं वापस इसमें इसी तरीके से हाई बने, और जिसने भी स्पाइस जेट में इन्वेस्ट किया हुआ है वो भाई खूब पैसा कमाए। चलिए, हम तो चाहते ही हैं इन्वेस्टर अच्छा खासा पैसा कमाए। अब हम बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला जी का लिंक। राकेश झुनझुनवाला जी ने इसके 10 लाख शेयर्स पिछले साल फरवरी में खरीदे थे, टोटल 75 लाख शेयर्स उनके पास स्पाइस जेट के ऑलरेडी हैं। बहुत कम 17-16 रुपये पे उन्होंने ये खरीदे थे। कितने शेयर्स खरीदे थे, 75 लाख, नवंबर 2014 में। होल्ड कर रखी है उन्होंने इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उन्हें दिखता है कि स्पाइस जेट ही कुछ कर सकता है। चलिए बढ़िया बात है। अब हम वो न्यूज़ देखते हैं जहाँ पे जेट एयरवेज, देखिए जेट एयरवेज क्या खरीद रहा है स्पाइस जेट से, कितने प्लेन, 40 प्लेन जेट एयरवेज खरीद रहा है भैया, बढ़िया बात है। जेट एयरवेज तो अपने आप तो डूब रहा है, क्या करे, पैसा चाहिए कहीं ना कहीं से, तो पैसा चाहिए। तो अजय सिंह जी जो स्पाइस जेट के मालिक हैं, वो उनको बेताज बादशाह माना जाता है एयरलाइन इंडस्ट्री में, अजय सिंह जी को। तो भैया उनका शेयर तो उड़ेगा ही उड़ेगा, और उड़ रहा है, दिख रहा है। आज की डेट में देखिए 14-15% उछाल, अल्टीमेट उछाल मैं कहूँगा, और पिछले कई दिनों से आप देखिए 27% टोटल उछल चुका है ये शेयर, बढ़िया। अब आप खुद सोचिए, अब आप फंडामेंटल्स दिखाता हूँ मैं आपको स्पाइस जेट का। 5,000 करोड़ का शेयर है, 14% की सेल्स ग्रोथ है इस शेयर में। बाकी सारी चीज़ें नेगेटिव है क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री अभी इतनी प्रॉफिट में नहीं है, लेकिन सेल्स ग्रोथ अल्टीमेट है स्पाइस जेट की। स्पाइस जेट एक लो कॉस्ट करियर है, इसका कॉम्पिटिटर होता है इंडिगो, जो LCC, दो
LCC एयरलाइन है, उसमें इंडिगो इसका कॉम्पिटिटर है। तो इंडिगो बहुत बड़ा इसके कंपैरिजन में, ये एक छोटा सा शेयर है, तो इसके लिए ग्रोइंग के लिए बहुत रूम बचा हुआ, बहुत अच्छे से ये ग्रो कर सकता है और बेहतरीन ग्रो कर भी रहा है। और शेयर देखिए पिछले 4-5 महीने में 60 रुपये से 105 पहुँच चुका है, लगातार पहुँच रहा है। राकेश झुंझुनवाला जी की बड़ी इन्वेस्टमेंट। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं अब इसका एक नज़र। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर मैं आपको स्पाइस जेट का दिखाऊं तो देखिए कुछ इस तरीके से है। अजय सिंह जी मेजर प्रोमोटर हैं, 51% की होल्डिंग है। मीनाक्षी भार्गवा जी पब्लिक शेयर होल्डर, 2.45% इनकी होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बहुत सारी होल्डिंग है, और लेकिन एक नेगेटिव फैक्टर, कुछ डेट भी है और कुछ शेयर्स गिरवी भी रखे गए हैं, 39% शेयर्स गिरवी भी रखे गए हैं। एयरलाइन इंडस्ट्री में इस तरीके से बहुत चीज़ें, आप ये चलोगे कि लॉसेज में है इंडस्ट्री, तो इस तरीके से बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी, डेट मिलेगा, प्रोमोटर प्लेस्ड होल्डिंग मिलेगी, तो ये चीज़ है। अजय सिंह का ये शेयर है, लोगों को बहुत भरोसा। वहीं पे जेट एयरवेज देखिए बिल्कुल डूब सके, अर्निंग पर शेयर देखिए सब कुछ नेगेटिव में, 373 रुपीज़ नेगेटिव में अर्निंग शेयर है। वहीं पे अगर आप एयरलाइन में कोई इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री का कोई शेयर देख रहे हैं तो आपको या तो स्पाइस जेट या इंडिगो, ये दोनों शेयर हैं, लेकिन स्पाइस जेट के पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है ग्रोथ का, इसीलिए ये खास हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।